क्वेश्चन है, एक कॉटन की बॉल है और एक आयरन की बॉल है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं इंग्लिश में। द कॉटन बॉल फॉल्स आफ्टर 3 सेकंड एंड द आयरन बॉल फॉल्स आफ्टर 5 सेकंड, विच इज मूविंग। क्वेश्चन क्या है, इन दोनों में से कौन ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा आफ्टर 2 सेकंड ऑफ देयर स्टार्ट ऑफ मोशन। क्वेश्चन समझे, एक कॉटन की बॉल है वो 3 सेकंड में नीचे गिरती है, एक आयरन की बॉल है वो 5 सेकंड में नीचे गिरती है, इन दोनों में से कौन सी बॉल हायर वेलोसिटी से चल रही थी 2 सेकंड के बाद, मतलब जब उन्होंने मोशन स्टार्ट करा उसके 2 सेकंड के बाद कौन सी बॉल हायर वेलोसिटी पे चल रही थी, कॉटन बॉल की आयरन बॉल? सबका आंसर क्या है? सबका आंसर गलत है, कॉटन बॉल। कॉटन बॉल, वो भी आंसर गलत है दोनों से। यस, देखो दे आंसर सुनो बेटा, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ठीक है, ये है 10 किलो की और ये है 100 किलो की, ठीक है। अगर आप इनको सेम हॉरिजॉन्टल लेवल से गिरा रहे हो या सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल लेवल भी छोड़ो, आप चाहे इसको ऊपर से गिरा दो, आप इसको ऊपर से गिरा दो इस 100 किलो वाली बॉल को, अगर आपने दोनों बॉल्स को इकट्ठे गिराया ना, तो ध्यान से देखना t इक्वल टू 0 पे इनकी जो दोनों की वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि आपने इनको ड्रॉप करा। क्या करा है? मतलब घड़ी की स्टार्टिंग में जो इनकी वेलोसिटी होने वाली है वो है 0। अच्छा, जैसे ये दोनों हवा में आएंगी इनके ऊपर कौन काम करेगा? ग्रेविटी। हाँ है ना, ग्रेविटी के कारण इनमें एक्सेलरेशन आएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें भी जी आएगी और इसमें भी जी आएगी, और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है और दोनों में एक्सेलरेशन सेम है, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। यहाँ पे टाइम क्या दे रखा है, मैंने क्या बोला, मोशन इन दोनों के मोशन के 2 सेकंड के बाद कौन ज्यादा वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा। आपने देखा ये 5 सेकंड में पहुंच रहे हैं, 3 सेकंड में पहुंच रहे, तो ये जल्दी पहुंच रहे, तो हायर स्पीड होगी। ऐसा नहीं होता। अगर आप दो बॉडीज को फ्री फॉल करवाते हो, दोनों को सेम टाइम पे छोड़ते हो, तो ठीक 1 सेकंड के बाद भी इनके पास सेम वेलोसिटी होगी, 2 सेकंड के बाद भी इनके पास सेम वेलोसिटी होगी, 3 सेकंड के बाद भी इनके पास सेम वेलोसिटी ही होगी। ये पॉइंट समझे? नहीं समझे? तो इसका मतलब है ये 3 सेकंड में नीचे पहुंच रही है 5 सेकंड में। अब मुझे बताओ क्या डिफरेंस हो गया इन दोनों में? यार सीधी सी बात है, आयरन बॉल को आपने ऊपर से फेंका है, कॉटन बॉल को आपने नीचे से फेंक दिया। समझ आ गई बात? मतलब इट्स लाइक अगर ये आयरन बॉल है, ये आयरन बॉल है, ये कॉटन बॉल है, ये 5 सेकंड में इसलिए पहुंच रही क्योंकि आपने इसको ऊपर से गिराया, और ये 3 सेकंड में इसलिए पहुंच रही क्योंकि आपने इसको नीचे से गिराया, ठीक है। बट मोशन स्टार्ट होने के 1 सेकंड के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम। 2 सेकंड बाद? सेम। 3 सेकंड बाद? सेम। 4 सेकंड बाद? सेम। समझ आ गया? क्लियर है? Yes. अगर हम दो बॉडीज को इकट्ठे छोड़ते हैं तो उनके हर सेकंड की वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा, जैसे टी 0 की तो मैंने बता दी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जैसी घड़ी में 1 सेकंड बीतेगा इन दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, कोई बताएगा बेटा? वो होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। कारण सुनो क्या, क्योंकि एक्सेलरेशन कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन बताती क्या है कि भी 1 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी कितना आने वाला। हाँ या ना? Yes, अच्छा मुझे बताओ, घड़ी में जब 2 सेकंड होंगे वेलोसिटी कितनी होगी? 9.8 का डबल, दैट इज 19.6 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही पकड़े, ठीक है। पहला क्वेश्चन पता लग गया। देखो ये बहुत ज्यादा हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन था कि हमने एक कॉटन बॉल को फेंका और हमने एक आयरन बॉल को फेंका, एक 5 सेकंड बाद पहुंच रही है, 3 सेकंड बाद पहुंच रही है, कौन ज्यादा मोशन स्टार्ट होने के 2 सेकंड के बाद कौन ज्यादा हायर वेलोसिटी पे है? तो बच्चे मैक्सिमम बच्चे क्या देखेंगे, टाइम देखेंगे और बोल देंगे हाँ जी भाई कॉटन बॉल ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, आयरन बॉल कम स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। बट प्रैक्टिकली सोचो कभी ऐसे होता है? कॉटन बॉल के ऊपर क्या लगती है? नीचे से हवा। हाँ या ना? और आयरन बॉल के ऊपर नीचे से हवा नहीं लगती। यहाँ पे 2 सेकंड के बाद दोनों के पास सेम वेलोसिटी होगी और वो कितनी होगी? 19.6 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आ गया? देखो मैं आपको क्वेश्चन ना कुछ ऐसे भी करा रहा हूँ जिसमें कंसेप्ट ज्यादा है, इन क्वेश्चंस में कंसेप्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोहन ड्रॉप्स अ बॉल फ्रॉम 50 मीटर हाइट, रन डाउन टू सी इफ ही कैन कैच द बॉल
ही टेक्स 1 मिनट टू रीच द ग्राउंड, विल ही एबल टू कैच द बॉल? कहते देखो, रोहन नाम का एक लड़का था, उसने किसी हाइट से ना बॉल को ड्रॉप करा, और जैसे उसने ड्रॉप करा ना, वो नीचे की तरफ भागा पौड़ियों से, और ये देखने के लिए कि क्या वो बॉल को कैच कर सकता है कि नहीं कर सकता। अरे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है क्या लॉजिक लगेगा कि रोहन बॉल कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्या लॉजिक लगाओगे इसके पीछे? हाँ जी, देखो ध्यान से समझो बेटा, अगर रोहन को नीचे जाने में 1 मिनट लगा, अगर बॉल को नीचे जाने में 1 मिनट से ज्यादा लगेगा तो रोहन कैच करेगा कि नहीं करेगा? कर पाएगा, ये लॉजिक लगना था। अगर बॉल को 1 मिनट से कम लगा तो क्या रोहन बॉल को कैच कर पाएगा? क्योंकि बॉल तो ऑलरेडी हिट कर चुकी होगी ग्राउंड को, हाँ या ना? रोहन को नीचे जाने में 1 मिनट लग रहा है, अगर बॉल 1 मिनट से ज्यादा टाइम लेके नीचे पहुंचती है फिर तो भाई क्या लगेगा, सॉरी रोहन बॉल को कैच कर पाएगा। अगर बॉल को नीचे जाने में 1 मिनट से कम टाइम लगता है तो रोहन बॉल को कैच नहीं कर पाएगा, उसको बॉल नीचे गिरी हुई ऑलरेडी मिले। ठीक है, तो हमें ये पता करना है ना कि बॉल कितने टाइम में नीचे पहुंच रही है, हाँ या ना? इसका मतलब यहाँ पे हमें बॉल के मोशन को कंसिडर करना है। हम यहाँ पे बॉल को क्या कर रहे हैं? हम यहाँ बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। बॉल को क्या कर रहे हैं? ड्रॉप। अच्छा, ड्रॉप के केस में, अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही बॉल को ड्रॉप करेंगे ये किसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा? ग्रेविटी। किसके? ग्रेविटी। ग्रेविटी इस पे फोर्स लगाएगी जिसके कारण एक्सेलरेशन आएगी नीचे, हाँ या ना? इस बॉल के मोशन को हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। और ये कौन सा केस है? ये ड्रॉप का केस है। ड्रॉप के केस में क्या जीरो होता है? ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, और यहाँ पे आपको ये हाइट दे रखी है कितनी? 50 मीटर। कितनी दे रखी है? 50 मीटर। क्लियर? अच्छा, तो आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखी है -50 मीटर। कैसे? बॉल जब नीचे जाएगी बॉल की डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? नेगेटिव, हाँ या ना? अच्छा, अब आपको यहाँ से टाइम निकालो और एक्सेलरेशन आप ले लो -9.8 मीटर पर सेकंड। यहाँ से कौन सी इक्वेशन लगेगी? सेकंड। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बेटा आप जो कह रहे थे फर्स्ट इक्वेशन लगेगी है ना, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या आपको पता है जब ग्राउंड पे बॉल हिट करे कितनी वेलोसिटी से करे? यहाँ पे v चाहिए ना आपको, v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी। क्या आपको फाइनल वेलोसिटी बॉल की पता है? नहीं पता ना, तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? सेकंड। अच्छा थर्ड में नहीं लग सकती, थर्ड में टाइम ही नहीं, हमें टाइम ही तो चाहिए। तो यहाँ से क्या लगेगा? अच्छा देखो, जैसे आप यू की वैल्यू जीरो डालोगे ये टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। अच्छा, तो यहाँ से s इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर आ गया। अब s कितना है? -50 इक्वल टू -9.8 इनटू t स्क्वायर। सबसे पहले माइनस से माइनस किया, अच्छा यहाँ कितना आ गया? 100 बाय 9.8। देखो मेरे को यहाँ पे 10 लेके फायदा है ना, मैं 10 लेके अप्रोक्सीमेशन में आंसर दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अच्छा, तो यहाँ से टी स्क्वायर हो गया 10, तो टी कितना हो जाएगा? √10। अच्छा, √10 की वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है किसी नंबर का रूट कैसे निकालते हैं? मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो, आपको 10 का रूट निकालना है ना, इसके सबसे नजदीक नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है, जिसका परफेक्ट रूट आपको पता है, 9, हाँ या ना? अब 10 को लिख लीजिए, 10 इक्वल टू 9 प्लस 1, हाँ या ना? अच्छा, अब ना ऐसा करिए, आपको 10 का रूट करना, अब आपको 9 का रूट पता, तो 9 का रूट कर दीजिए, कितना आ गया? 3, हाँ या ना? अब 1 में जो आपके पास आंसर आया ना, इसका डबल डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब 3 प्लस 1/6 इज द रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 10। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आएगी 3.14 के राउंड आएगी शायद, आई थी, ठीक है, 3.14 के राउंड आएगी, 15 के राउंड आएगी। अच्छा एक बात बताओ, वो कितनी देर में नीचे पहुंच रहा है? 1 मिनट। कितने मिनट में? 1 मिनट में। और बॉल को कितना टाइम लग रहा है? 3.14 सेकंड है ये, यहाँ पे 1 मिनट का मतलब क्या है? 60 सेकंड। तो क्या वो बॉल को कैच कर पाएगा? नो सर। अच्छा देखो, मैं आपको बात बताऊं, 50% बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे, कारण पता क्या है? वो यहाँ देखेंगे 3.14 और यहाँ देखेंगे 1, यहाँ वो देखेंगे 3.14 और यहाँ देखेंगे 1, यहाँ पे 1 क्या है? मिनट।
यहाँ पे 60 सेकंड दे रखे हैं और बॉल को नीचे आने में टाइम कितना लग रहा है? 3.14 सेकंड। क्लियर है? Yes, तो क्या वो बॉल को कैच कर पाएगा? Yes, नहीं कर पाएगा। भेज दे अंदर। क्लियर है? Yes, पक्का? Yes, भाई क्लियर है? Yes, चलो अब पता लग गया कि बच्चे 50% गलत क्यों करके आएंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि आंसर आया 3.14 के अराउंड और वहां पे क्वेश्चन में दे रखा है 1 मिनट, तो पर वो 1 मिनट दे रखा है, 1 सेकंड नहीं दे रखा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड। बेटा ये क्वेश्चन आने के ना देखो, वैसे तो ये जो कंसेप्ट करवा रहा हूँ आपको ये प्लस वन का, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ना ये प्लस वन का, बट आपको कराने का कारण ये है कि कई बार ना ऐसे स्कूल में डाल देते तंग करने के लिए, ठीक है, तो तुम लोग दम ना हो इसलिए हम ये कर लेते, कुछ ज्यादा लंबी टूटी बात नहीं है पर कर लेते। अच्छा सबसे पहले ना मैं अभी यहाँ पे टाइम लाइन बना रहा हूँ जिसमें स्टार्टिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये रहा 10, ये सारे टाइम की वैल्यूज है, ठीक है। बेटा 0 से लेके 1 सेकेंड तक, मतलब जब घड़ी में t=0 था से लेके t=1 तक, आप लोग क्या बोलते हो? दिस इज द फर्स्ट सेकेंड। ये मोशन का क्या है? फर्स्ट सेकेंड। तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंड सेकेंड। ये थर्ड सेकेंड। ये फोर्थ सेकेंड। ये फिफ्थ सेकेंड। इसका मतलब फिफ्थ सेकेंड का मतलब क्या है? t=4 से लेके t=5 उसके बीच का मोशन है ना। yes, तो 10th सेकंड का मतलब क्या होगा? तुम लोग कंफ्यूज हो रहे थे इसीलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट भी करवाया। बेटा एनथ का मतलब होता है आपको एक टाइम इंटरवल पे जाना, कहाँ पे जाना है? फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या है? 0 से 1 का टाइम इंटरवल। सेकंड का मतलब क्या है? t1 से लेके t2 तक। अब ध्यान से देख रहे हो, सेकंड में आपने क्या क्या टाइम इंटरवल लेने हैं? सेकंड में एक पहले का एक सेम का, थर्ड में एक पहले का एक सेम का, फोर्थ में पहले का सेम का, तो टेंथ में क्या आएगा? पहले का एक सेम का, आया ना। अब आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है 10th सेकंड। अब यहां ध्यान से समझना जरा, देखो इमेजिन कर लो कि यहां से आपने एक बॉल को गिराया, ठीक है। अच्छा बॉल ऑब्वियसली ऐसे नीचे आ रही होगी, आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? yes, अच्छा मान लो कि t=9 सेकंड पे वो यहाँ पे थी और t=10 सेकंड पे कहाँ होगी? ऊपर के नीचे? ऑब्वियसली नीचे होगी। इमेजिन कर लो कि बॉल t=10 सेकंड पे यहाँ पे थी, तो 10th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करना, इसका मतलब आपको ये डिस्टेंस बताना है कि t=9 से लेके t=10 तक बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर, समझे आप लोग? नहीं समझे? कि 10th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब क्या है कि जब बॉल नीचे गिर रही थी तो t=9 पे बॉल जहां पे थी और उसके बाद t=10 पे बॉल जहां पे थी, उन दोनों के बीच में बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, समझ आई बात? डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकंड का मतलब t=9 से लेके t=10 सेकंड के बीच का डिस्टेंस, हाँ या ना? कैसे निकालोगे? लॉजिक क्या लगाओगे? जल्दी बिल्कुल सही। आप क्या करिए, पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए, इन्होंने पहले 10 सेकंड में कितना ट्रेवल करा डिस्प्लेसमेंट, उसमें से माइनस कर दीजिए 9 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट, क्या बच रही है? 9 से लेकर 10 तक की डिस्प्लेसमेंट बच रही है, हाँ या ना? तो यहाँ पे टी डिस्टेंस इन 10th कैसे निकलेगा? बेटा डिस्टेंस इन 10th निकलेगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकंड, समझ आ गया? हाँ या ना? yes. अच्छा एक बात बताओ, बॉडी जब नीचे आ रही होती है वो कैसा मोशन होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन की सर्कुलर मोशन? स्ट्रेट लाइन ना। अच्छा जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, अच्छा एक बात बताओ, क्या इस बॉल ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी? no, इसका मतलब वो एक ही डायरेक्शन में जा रही। yes, जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं, हाँ या ना? इसका मतलब अल्टीमेटली आपको s10 निकालना है, उसमें से क्या माइनस करना है? s9, हाँ या ना? सबसे पहले s10 निकालते, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड।
एस टेन निकालने के लिए देखो आप बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो, यू कितना आएगा? जीरो। ए कितनी आएगी? माइनस टेन ले लो। मैं टीचर हूं, मैं ले सकता हूँ, ठीक है, तुम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे टी कितना आ जाएगा? टेन सेकेंड। तो यहाँ पे एस टेन विल बी इक्वल टू, देखो यू टी डालोगे तो यू टी वाली टर्म जीरो हो जाएगी। यहाँ पे मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो जब मैं यू टी को जीरो डालूंगा तो ये जीरो हो जाएगी ना, जब मैं यू को जीरो डालूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। काम खत्म। अच्छा उसके बाद क्या बच गया? एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे आ गया एस इक्वल टू हाफ माइनस टेन इंटू हंड्रेड। यहाँ पे क्या आ गया? फाइव। कितना आ गया? माइनस फाइव। माइनस फाइव, इसका मतलब एस टेन कितना है? माइनस फाइव हंड्रेड। सिमिलरली हम एस नाइन निकाल लेंगे। अच्छा एस नाइन कितना आ जाएगा? हाफ माइनस टेन इंटू नाइन का स्केयर 81। ये फाइव का हो गया। यहाँ पे आ जाएगा फाइव, फाइव इंटू आर 40, तो ये 405 क्या आया? मीटर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आपको डिस्टेंस चाहिए, बट डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को तो आप डिस्टेंस बोलते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट आई, इसमें से मैग्नीट्यूड अलग कर दीजिए, यही क्या आपका होगा? डिस्टेंस, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो यहाँ पे डी टेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। माइनस क्या करना उसमें से? 405। कम साइड टू बी 95 डिग्री। मतलब टी नाइन से लेके टी टेन तक बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा ये कितना करा? 95 मीटर। देखो अब अगर आपकी किस्मत बहुत 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 उम्दा हुई ना तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब सर काजम समझ रहे इस क्वेश्चन मेरी बात का, समझ रहे हो? मतलब रिवर्स में लेके चलना है इसको। अगर किस्मत बहुत 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 खराब हुई ना तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बट अब आप लोग क्या करके आओगे इसको सही? टेनथ का मतलब क्या है? इंटरवल लेना है। इंटरवल का पहला टाइम इसका पिछले वाला और एक टाइम यही वाला, समझ आ गया? Yes, पक्का? Yes, चलिए अब देखो ध्यान से। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम टी इक्वल टू 3 टू टी इक्वल टू 7 सेकंड। आपको क्या करना है? देखो टी इक्वल टू 3 पे ऑब्वियसली वो यहाँ पे होगा और टी इक्वल टू 7 पे वो यहाँ पे, मान लो। तो आपको उन्होंने बोला कि इस दौरान उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, क्या करोगे? पहले 7 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, फिर 3 सेकंड की, उसमें से क्या कर दोगे? माइनस ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। एनसीईआरटी दे दो मेरे को, एनसीईआरटी दे दो मेरे को। अब मैं रेस कर रहा हूं इसको। बड़ा कहते जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, मैंने आपको वो करवा दिए। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन स्कूल के पेपर में नौवीं में आएंगे, बट फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो आपको लगता है कि सर मेरे को ये टाइप नहीं आते, वो आप लेके आ सकते हो, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? Yes, sir. अगर इससे ज्यादा आपको हाई लेवल का क्वेश्चन मिलता है और आपको लगता है कि मेरे को ये आना चाहिए, हम वो क्वेश्चन ले आना, क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब एक अल्टीमेट सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक में भी है। बड़ा ही अल्टीमेट सा क्वेश्चन ना, एक एनसीईआरटी की बुक में भी है। अल्टीमेट क्यों है? वो अल्टीमेट इसलिए है क्योंकि उसमें ना ड्रॉप वाला केस भी है और थ्रोन अप वाला केस भी है, दोनों केस इकट्ठे डाले हुए हैं क्वेश्चन में। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर है 17, एनसीईआरटी बैंक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से बुक निकाल लीजिए, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आई मीन क्वेश्चन, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, आंखें खोल के कान खोल के दिमाग की बत्ती जला के प्लीज किंतु परंतु अपने घर पे छोड़ दीजिएगा, घर की बात भी घर पे छोड़ दीजिएगा, राइट नाउ सब कुछ भूल के ना ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। कहते देखो जी एक टावर है एंड फिजिक्स क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है? इमेजिनेशन। कहते टावर के टॉप से ना हमने एक बॉल को गिराया, ड्रॉप करा। टावर के टॉप मतलब एकदम यही मान लो कि ये अगर टावर 100 मीटर हाई है तो ये बॉल जो आप गिरा रहे हैं ये भी कितनी मीटर हाई है? 100 मीटर हाई है। इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया? इसको यहाँ से हमने ड्रॉप कर दिया। क्या कर रहा है? ड्रॉप। अच्छा एट द सेम टाइम, मतलब जैसे ही इसको ड्रॉप करा ठीक उसी टाइम पे ध्यान से बोलो, अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एक स्टोन को हमने कहाँ फेंका? ऊपर फेंका। अब एक स्टोन को हमने ऐसे ऊपर फेंका,
another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. यहाँ पे इसकी velocity कितनी है? 25 meter per second. Calculate when and where the stone, two stones will meet. कहते when and where ये दोनों पत्थर मिलेंगे. ध्यान से देखो. यार imagination use करो. एक पत्थर नीचे आ रहा है, एक पत्थर ऊपर आ रहा है. ये दोनों कभी तो आमने सामने आएंगे ना, है ना? जब ये आमने सामने आएंगे इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं. yes, हाँ या ना? yes, sir. अब when का मतलब पता क्या है? when का मतलब क्या पूछा है? टाइम. कब? when का मतलब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? टाइम. where का मतलब? ना. where का मतलब कहाँ? ना. पोजीशन. where का मतलब डिस्टेंस नहीं है, where का मतलब पोजीशन. जब ये दोनों मोशन कर रहे होंगे अपने मोशन के किस पोजीशन पे ये दोनों आगे मीट करेंगे. अरे इस क्वेश्चन में ना आपको स्टार्ट कहां से करना. अब मान के चल लो कि दोनों स्टोन्स मीट कर गए. देखो अगर ये और ये दोनों इकट्ठे चले हैं, ये और दो, ये और ये दोनों इकट्ठे चले हैं, तो ये ऐसे नीचे आ रहा होगा, यहाँ पे सपोज करो आ गया था, और ये ऐसे ऊपर जा रहा होगा, सपोज करो यहाँ आ गया था. अब मान लो कि इस पॉइंट में मीट कर रहे हैं, आपको मीट तो करवाना है क्वेश्चन में. हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये अपने मोशन स्टार्ट करने के 30 सेकंड्स बाद इसको मीट कर रहा है तो ये भी 30 सेकंड्स बाद ही मीट कर रहा होगा ना. हाँ या ना? आपको दोनों कड़ियों को जोड़ना है, आपको दोनों मोशन को लिंक करना है. यार एक बात समझो, आप इधर लुधियाना से निकले, यहाँ से समझो आपका एक दोस्त कनाडा शिफ्ट हो गया, ठीक है, उधर से आप निकले, उधर से वो निकला. अगर आपका दोस्त कह रहा है कि यार मैं तेरे को 3 साल बाद मिल रहा हूँ, तो आप भी उसको कितने साल बाद मिल रहे होंगे? 3 साल. हाँ या ना? यस. ये चीज तो म्यूचुअल चलती है ना. जब इन्होंने दोनों ने मोशन अपना सेम टाइम पे स्टार्ट करा, तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये स्टोन इस स्टोन को 30 सेकंड बाद मिल रहा है, तो ये स्टोन भी तो इस स्टोन को 30 सेकंड बाद ही मिल रहा होगा. yes, इसका मतलब इन दोनों में एक चीज कॉमन ले लो कि ये मिल रहे हैं कितने बार? 30 सेकंड्स के बाद. कितने सेकंड्स के बाद? 30 सेकंड. हाँ या ना? यस सर. बेटा ऋषि का मेरे को कभी कभी समझ नहीं आता. नहीं क्या है कि वो जो ऊपर वाला स्टोन छोड़ रहे हो यहाँ से गिरा वो, अब इसमें एक और भी तो हो सकता है कि इसमें यहाँ पहुंचा है और हमने यहाँ से स्टार्ट. बट सेम टाइम का मतलब क्या होता है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़. अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर टावर एंड एट द सेम टाइम, ठीक उसी वक्त एक बॉल को हम, एक स्टोन को हमने यहाँ से ड्रॉप करा, ठीक उसी वक्त एक स्टोन को हमने ऊपर फेंका, तो दोनों का जो टाइम ऑफ स्टार्ट था वो तो सेम था ना. हाँ या ना? yes, अगर ये स्टोन इसको 30 सेकंड बाद मिल रहा है, तो ये स्टोन भी इसको 30 सेकंड बाद ही मिलेगा. आपने इसमें पहले ना जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने हैं, आपने ये मान के चलना कि दोनों स्टोन मीट कर गए. अब मान के चलो कि ये अपना नीचे कितना गिर चुका था, ये एक्स डिस्टेंस नीचे आ चुका था. अरे ध्यान से देखो, अगर ये टोटल कितना है, पहले इनिशियली इन दोनों में दूरी कितनी है? 100. तो अगर 100 में से स्टोन ए ने एक्स ट्रेवल करा, तो बाकी का किसको ट्रेवल करना पड़ेगा? टी को. ये पॉइंट समझ रहे? दोबारा से, यहां से हमने स्टोन को ड्रॉप करा, यहां से हमने स्टोन को ऊपर फेंका, सेम टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे हमने इसको गिराना शुरू करा उसी टाइम पे हमने इसको ऊपर भेज दिया. तो हमने, अब उन्होंने बोला कि दोनों कहां मिलेंगे और कब मिलेंगे. आप मान के चलिए कि दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे, दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे, समझ आ गए? अच्छा, और दोनों 30 सेकंड्स के बाद मिल रहे हैं. कितने सेकंड्स के बाद? 30 सेकंड. दोनों का टाइम ऑफ स्टार्ट सेम है, तो अगर ये इसको टी बार दिखेगा, तो ये भी इसको 30 सेकंड्स के बाद दिखेगा. आप मान लो कि ये स्टोन जब यहाँ पहुंचा था, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करी थी? एक्स. कितनी? एक्स. तो एक बात बताओ, इन दोनों में इनिशियल डिस्टेंस कितना था? 100. में से अगर एक स्टोन ने एक्स ट्रेवल करा, तो बाकी दूरी किसको ट्रेवल करनी पड़ेगी? बी को. इसने कितना करा होगा? 100 माइनस एक्स. हाँ या ना? yes, sir. तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा या डिस्प्लेसमेंट करी होगी 100 माइनस एक्स. यहाँ तक समझ आ गया? yes, sir. चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन खतरनाक है ना, तो आपको थोड़ा सा बेबी स्टेप्स में समझाना पड़ेगा. अब हम सिर्फ सब कुछ भूल के ना स्टोन ए के मोशन को पढ़ते हैं, सब कुछ भुला के हम स्टोन ए के मोशन को स्टडी करेंगे. अरे स्टोन ए को हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉप. ड्रॉप के केस में क्या जीरो होता है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है. हाँ या ना? यस सर. अच्छा ध्यान से देखो, ड्रॉप स्टोन ए नीचे आ रहा है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? माइनस. नेगेटिव होगी. तो यहाँ पे आप ले लीजिए माइनस एक्स.
हाँ या ना? Yes, sir. आप मान लीजिए कि यहाँ इतने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने के लिए इसको कितना टाइम लगा? 30 seconds. तो हमने इक्वेशन लगाई s is equal to ut plus half at square. अब एक और बात, जैसे ये हवा में आएगा तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? माइनस जी, दैट इज माइनस 9.8. हाँ या ना? Yes. अच्छा अब यहाँ से देखो, माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म तो जीरो होने वाली क्योंकि यू जीरो है, क्लियर है? अच्छा अब क्या बचा? हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है? माइनस 9.8 इनटू क्या आ गया? टी स्क्वायर. माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 9.8 बाय 2 इनटू टी स्क्वायर. देखो पहले तो माइनस माइनस कट गया, उसके बाद ये कटिंग हो गया. 9.8 को 2 से डिवाइड करोगे 4.9 आएगा. कितना आएगा? 4.9. x की वैल्यू कितनी आ गई? 4.9 t स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो. यहां पे रोक दो अब इसको. अब आओ बॉडी b के मोशन. किसके? बॉडी. अच्छा बॉडी b वाला कौन सा केस है? सोन अप वाला. हां या ना? यस सर. अच्छा सोन अप में आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी कितनी? 25 मीटर पर सेकंड. अच्छा इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट अब क्या आएगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि आपने इसको कहां फेंका है? ऊपर. तो ये आएगी प्लस 100 माइनस एक्स. क्लियर है? पक्का? अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे आप टाइम फिर से क्या लोगे? 30 सेकंड लोगे ना, क्योंकि दोनों ने जब मोशन सेम टाइम पे स्टार्ट करा है और हमने बोला कि ये वाला स्टोन इसको टी टाइम बाद मिल रहा है, तो ये स्टोन भी इसको टी टाइम बाद ही मिलेगा. हाँ या ना? आप अपने दोस्त को 3 साल बाद मिल रहे हो तो आपका दोस्त भी आपको 3 साल बाद ही मिलेगा. ऐसा तो नहीं कि वो 2 साल बाद मिल रहा है आपको, वो भी तो 3 साल बाद ही मिल रहा है. चलो यहाँ पे टाइम कितना आ गया? 30 seconds. अच्छा नेक्स्ट अब इक्वेशन लगाएंगे. अच्छा यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी? माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड. क्योंकि यहाँ से देखो, चाहे ड्रॉप का केस था चाहे थ्रोन अप का केस था, लक कौन रही है? ग्रेविटी. ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन किधर आती है? नीचे. क्लियर है? यस सर. चलिए अब यहाँ पे हमने लगाया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यहाँ पे कितनी है? 100 माइनस x इक्वल टू 25 इनटू t. क्लियर है? यस सर. अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू जैसे ही डालोगे माइनस 9.8, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 9.8 बाय 2 इनटू टी स्क्वायर. हाँ या ना? यस सर. अरे देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.9. ये आ गया 100 माइनस एक्स इक्वल टू 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर. एक बात बताओ, अब यहाँ पे एक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक्स और टी दिख रहा है आपको, इक्वेशन चाहिए एक वेरिएबल में, आपको इक्वेशन एक वेरिएबल में करनी है. यहाँ पे फर्स्ट को यूज करने का टाइम आ गया. फर्स्ट का कहता है x की वैल्यू कितनी है? 4.9 t स्क्वायर. डाल दीजिए x की वैल्यू इस इक्वेशन में, डाल दीजिए ये कितना आ गया? 100 माइनस 4.9 t स्क्वायर इक्वल टू 25 t माइनस 4.9 t स्क्वायर. कटिंग होते दिख रहे हैं? ये भी माइनस. अच्छा देखो ध्यान से, इक्वल टू के इधर भी एक सेम टर्म, इधर भी एक सेम टर्म और साइन भी सेम, तो कट जाते हैं. yes, तो ये और ये कट गए. yes, अच्छा बच गया 100 इज इक्वल टू 25 t. तो 25 4 का कितना होता है? 100. यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ गई? 4 seconds. इसका मतलब ये मिलेंगे कितने टाइम बाद? 4 सेकंड बाद. आपको आपके बैंक का आंसर मिल गया. हाँ या ना? बैंक का आंसर क्या था? 4 seconds. था कि नहीं था? अच्छा नेक्स्ट देखो, अब आपका t की वैल्यू है, इसमें डाल दीजिए वापस. x की वैल्यू कितनी आ गई? 4.9 into 16 आ जाएगा. हाँ या ना? यस सर. तो ध्यान से देखिए, 4.9 into 16, 9 5 54 5 आ गया, 4 6 24 29 आ गया, उसके बाद 9 and 4 ये आ गया 4 18 1 7. तो आंसर कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई 78.4. क्या आ गई? मीटर. अच्छा क्या इसका आंसर क्या बोलोगे? देखो x की वैल्यू कितनी आई? 78.4. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 माइनस x है ना ये? हाँ या ना? यस सर. जब आप 100 में से 78.4 माइनस करोगे तो आंसर बच जाएगा 21.6. अब इसका आंसर क्या दे देना? वेयर का आंसर क्या दे देना? मैंने आपको बताया था वेयर कोई डिस्टेंस नहीं है, वेयर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वेयर क्या है? पोजीशन. पोजीशन कैसे बताओगे? दोनों में से किसी भी एक रिस्पेक्ट टू बता दो, बोल दो कि दोनों बॉल्स मिलेंगी, जो दोनों बॉल्स मिलेंगी एट अ पॉइंट व्हिच इज 78.4 मीटर फ्रॉम द बॉल ए, और
a point which is 21.6 from the ball B. समझ आ गई बात? Yes sir. हाँ या ना? Yes sir. Question clear है? Yes.